नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोबेलिया इन्फ्लाटा करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका मदर टिंचर फॉर्म में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिधर आप इस्तेमाल इस मेडिसिन का कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है लोबेलिया इन्फ्लाटा, ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे को हम इंडियन टोबैको भी कह सकते हैं। इंडियन टोबैको भी इस पौधे को कहा जाता है। तो ये पौधा, ये जो प्लांट है, ये ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में पाया जाता है। ये जो पौधा है, ये जो प्लांट है, कम से कम 60 सेंटीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर का हो सकता है, उससे ज्यादा भी ये पौधा जो है ये दिखाई देता है। तो ये जो मेडिसिन है लोबेलिया इन्फ्लाटा मदर टिंचर, ये पूरे पौधे की बनाई गई होती है, चाहे लीव्स हो, स्टेम हो, तो उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाई जाती है। लेकिन रूट को छोड़ के सारे ये जो प्लांट के पार्ट है वो इस्तेमाल किए जाते हैं इस मेडिसिन को बनाने के लिए। तो ये जो मेडिसिन है ये इंडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया में मौजूद है। इसके साथ ये जो मेडिसिन है ये डॉक्टर जीन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है इस मेडिसिन को। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है ये किधर इस्तेमाल की जाती है। तो ये मेडिसिन ज्यादातर लेडीज जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं लेडीज में, तो अगर कोई लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंसी के वक्त उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा नौशा फील होता है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस फिर हाइपर एमएसएस ग्रेविडार मेडिकल कंडीशन में कहते हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन है जिधर प्रेग्नेंट वुमन में बहुत ज्यादा वोमिटिंग की तकलीफें होती है, किसी भी कारणों के वजह से, किसी भी मेडिसिन के वजह से वो वोमिटिंग नहीं रुकती है, तो ये मेडिसिन आप अगर देते हो, ये जो मदर टिंचर है ये आप अगर इस्तेमाल करते हो, तो ये उधर ये जो हाइपर एमएसएस ग्रेविडारम है या फिर मॉर्निंग सिकनेस है वो बहुत जल्दी से कम हो जाता है। अगर किसी पेशेंट में क्रॉनिक यानी कि बहुत पुरानी बीमारी है उल्टी की, उनको बहुत जल्दी उल्टी हो जाती है, नौशा उनको महसूस होता है, तो उस कंडीशन में ही मेडिसिन जो है ये दी जाती है। इसके साथ जब मॉर्निंग सिकनेस की तकलीफें होती है, उल्टी की तकलीफ होती है, तो ठंडा पसीना बहुत ज्यादा दिखाई देता है, स्पेशली वो जो पसीना है वो फेस पर, आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो भी तकलीफें हैं वो कम हो जाती है। इसके साथ पुरानी जो बीमारी होती है उल्टी की, क्रॉनिक वोमिटिंग हम उसे बोलते हैं, तो उस तकलीफों में भी ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टी के बाद होने वाली जो थकान है तो उस थकान को भी कम करने के लिए ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सिर दर्द या फिर मितली या फिर उल्टी की जो भी तकलीफें हैं और वो तकलीफें सारी टोबैको चीविंग से या फिर स्मोकिंग से स्टार्ट होती है, तो आप ये मेडिसिन उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। टोबैको और चीविंग या फिर स्मोकिंग के बाद होने वाली जो भी नौशिया या फिर मितली की तकलीफें हैं, उल्टी की जो तकलीफें हैं, तो उधर इस्तेमाल की जाती है। ये जो मेडिसिन है ये आप स्किन इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको रिंग वर्म या फिर बाइट होने के बाद कुछ स्किन इरप्शन हुए हैं तो उस पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है यानी कि स्मोकिंग के बाद ठंडे मौसम में आपको बहुत ज्यादा सांस लेने की तकलीफें होती है, डिस्निया जैसी तकलीफें आपको महसूस होती है, तो ये मेडिसिन आप उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मदर टिंचर है, अगर किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा निकोटीन की एडिक्शन हो गई है, वो एडिक्शन जल्दी जाती नहीं है, तो उस वक्त ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ स्मोकर जो है, जिनको स्मोकिंग की हैबिट बन चुकी है और उनको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है निकोटीन की और वो कम हो ही नहीं पाती है, तो उस वक्त ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हो, तो जो भी निकोटीन की जो भी एडिक्शन हुई है तो उसको कम करने की, स्मोकिंग की जो हैबिट है उसको कम करने की ये जो मेडिसिन है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जो है इस मेडिसिन को स्मोकिंग की हैबिट कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये मेडिसिन बिल्कुल भी सेफ है। इसके साथ कोई पेशेंट है जिसमें निकोटीन की क्रेविंग बहुत ज्यादा है और उसको जो भी विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और जो भी पेन उसको होता है, दर्द जो होता है, तो उसके लिए
को पेन किलर लेने पड़ते हैं तो उस वक्त भी ये मेडिसिन रेकमेंड की जाती है। इसके साथ आपको परसिस्टेंट स्प्रेन की तकलीफ है, आपके गर्दन में मोच आ जाती है, आपके पैर में मोच आ जाती है, परसिस्टेंट आपको स्प्रेन की तकलीफ रहती है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। आपके मसल्स को सूदिंग इफेक्ट देने के लिए ये मेडिसिन एक्सटर्नली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको बहुत ज्यादा बैक एक होता है, टेंशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है आपके बैक में और आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है तो उस दर्द को भी कम करने के लिए ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो मेडिसिन है इसके क्या क्या फायदे हैं, ये जो मेडिसिन है आप किधर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर निकोटीन की एडिक्शन निकालने के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और प्रेग्नेंट वुमन में जो मोशन सिकनेस होता है, हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम होता है, उसमें इस्तेमाल की जाती है और आपको स्प्रेन की बहुत ज्यादा तकलीफ है तो उधर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो मेडिसिन है इसके क्या क्या फायदे है इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि इसके डोज क्या होनी चाहिए, इसकी सेवन विधि आपको कैसे करनी है। तो ये जो मेडिसिन है ये जो लवेलिया इंफ्लाटा ये जो होम्योपैथिक मदर टिंचर है लिक्विड फॉर्म में आता है, आपको 30 ml या फिर 100 ml के क्वांटिटी में किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में आपको इजीली मिल जाएगा। इसका पिक्चर भी मैंने वीडियो में लगाया है ताकि आप आसानी से इसे पहचान सकते हो। ये जो मदर टिंचर है ये SBL या फिर शॉबे कंपनी का भी आता है तो आप किसी भी कंपनी का ये मदर टिंचर जो है ये ले सकते हैं। और ये मदर टिंचर आपको इस्तेमाल कैसे करना है तो इसके 5 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेने हैं। आपकी तकलीफें जैसे ही कम होती है इसका डोज भी आपको कम करना है और आपको जो भी निकोटीन की आदत लग गई है, जो भी हैबिट आपको लग गई है तो उसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मुझे WhatsApp मैसेज आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा WhatsApp नंबर दिया है। और इस वीडियो को जिन लोगों को निकोटीन की बहुत ज्यादा आदत लगी है वो कम नहीं होती है तो उनको जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।